नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कोरोना डाइट और वैक्सीनेशन, जिसमें हम पुरानी चीज़ों की थोड़ी हिदायत देंगे आपको कि WHO के नॉर्म के हिसाब से अगर आपको कोई परेशानी होती है या उनके नॉर्म्स जो हमें मान्य है उसका ध्यान रखें, परेशानी में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। दूसरी चीज़, जो इलाज चल रहा है उन चीज़ों की दवाइयाँ ज़रूर लें, उन दवाइयों को बंद ना करें, कोई भी दवा अपनी मर्जी से ना लें। एक्सरसाइज पेट के बल करना है, वो खाना खाने के तुरंत बाद ना करें, अल्कोहल या निकोटीन ना लें। अब बात आती है डाइट एंड एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि हमारे सर्कुलेशन, हमारे इम्यूनिटी, हमारे फ्रेशनेस, मसल पावर को मेंटेन रखना है। नाश्ते दिन के खाने और रात के खाने के बाद 15-15 मिनट हमें वॉक करना है या जितना आपसे हो सकता है। अब बात आती है नाश्ते की। तो नाश्ते के पहले हम सुबह जैसे ही उठते हैं एक ग्लास कुनकुना पानी और उसमें नींबू और एक चम्मच शहद ले लें। पानी जो हम पीते हैं हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, तो वो कुनकुना हो। और एक डिटॉक्सिफाइंग वाटर सॉल्यूशन हम बनाएंगे, जिसमें हम कंटेनर में पानी, गुलाब पत्ती, पुदीना, नींबू, अदरक, थोड़ा सा पिंच दालचीनी और काले मिर्च का डालेंगे। इसके अलावा जो भी हम लेंगे वो कुनकुना होगा। 3 बार हमें गार्गल करना है, 3 बार हमें स्विमिंग करनी है दिन में। सुबह के पानी के बाद अब दिन का नाश्ता जो लेंगे, दिन के नाश्ते में इडली, पोहा, सांभर वड़ा और आपका स्टफ्ड रोटी, अगर अंडा खाते हैं तो अंडा खाएंगे, 1 कप दूध पिंच ऑफ हल्दी के साथ लेंगे। फिर आप लेंगे दिन का खाना। दिन के खाना लाइट होना चाहिए। लाइट के साथ साथ क्या होगा कि आपके दाल रोटी सब्जी जैसे पहले होती थी न्यूट्रिशियस और हेल्दी होना है। साथ में आप जो सैलड लेंगे वो सैलड या तो फ्रूट्स का हो सकता है, सीजनल फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का। सीजनल फ्रूट्स में आपके खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर ये चीज़ें होंगी, और या तो पपीता, संतरा, अनार, पाइनएप्पल ये चीज़ें होंगी। पानी लेंगे, इसके बाद आप 1 चम्मच पिघला हुआ घी लेंगे, जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, आपके कार्डियो प्रोटेक्टिव है और आपके डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है। फिर आप लेंगे 1 ग्लास बटर मिल्क, जिसमें नाइट्राइट्स होते हैं। नाइट्रेट्स जो है नाइट्राइट में बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, वायरस के स्प्रेड को रोकते हैं। इन बिटवीन मील जो शाम का स्नैक्स होता है वो हम प्रेफर करेंगे कि एक मुट्ठी या तो नट्स हो, पॉपकॉर्न हो, चना हो या ड्राई फ्रूट्स हो, थोड़ा ही लेना है, क्योंकि रात को 8-8:30 बजे हमें खाना खाना है जो 2 रोटी, दाल, सब्जी ये हो, साथ में मिक्स वेजिटेबल सूप हो या टोमेटो सूप हो। सोने के टाइम में हमें 1 कप दूध, जिसमें पिंच ऑफ हल्दी, जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हमें नींद अच्छी आती है और हमारे हॉर्मोन्स को काम करने में मदद करता है। फिर हम आते हैं वैक्सीनेशन, ये ज़रूर लें, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारा एक सुरक्षा कवच है जो हमें बचाएगा। 45 साल की उम्र के बाद वैक्सीनेशन प्राइवेट सेक्टर में भी लग रहे हैं, सरकारी में भी लग रहे हैं, जाएं, लगवाएं, वहाँ आधा घंटा रुकें। ये हिदायत के हिसाब से कि अगर कोई परेशानी हो, वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती, तो आपका वहीं मैनेज हो जाएगा। जैसे बच्चों को टीका लगाते हैं हम उसकी किसी चीज़ से घबराते नहीं, आप भी ना घबराएं। एक टीका जिस दिन लगाते हैं उसके 1.5 महीने से 2 महीने के बाद दूसरा टीका लगाएं। कुछ लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम टीका लगाते हैं फिर भी हमें कोरोना हो जाता है, तो ये वही बात हुई कि बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद जो बीमारी होती है वो थोड़ी थोड़ी होती है, उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। हमारे WHO के रिकमेंडेशन जो सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। अगर एक टीका के बाद आपको कोरोना होता है तो आप दूसरा टीका तब लगवाएं जब ठीक होने के 12 हफ्ते बाद। 2 के बाद अगर होता है तो कोई बात नहीं, सीवियर नहीं होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। टीकाकरण अवश्य कराएं, अगर इसके बाद कोरोना होगा भी तो प्राण घातक नहीं होगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सवाल हमारे जवाब।